हरियाणा में डे 37 में और न्यूमेरिकल कर रहे हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं उसमें। न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लें और ज्यादा से ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल और हम ऐसे करते हैं जिनके अंदर इनके डेरिवेशन कैसे यूज होते हैं वो उनकी भी हम बात करेंगे, यानी नए न्यूमेरिकल बना के दे दिए जाते हैं डेरिवेशन टाइप। उससे पहले हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो दिख रहा आपका, नेक्स्ट देखें क्या है। एक बम वर्षक विमान 5000 मीटर की ऊंचाई से बम गिराता है। वह बम गिराते समय उसका वेग क्षैतिज दिशा में 300 मीटर पर सेकंड है। यदि विमान ने किसी सैनिक ठिकाने के ऊपर से गुजरते हुए बम गिराए हो तो कंडीशन हमें दे रखी है कि क्या दे रखे हैं कि एक बम वर्षक विमान है, कोई विमान है, विमान जा रहा है और वो बम वर्षक बम गिरा रहा है दुश्मन के ठिकाने पर, और उसके लिए आपको कंडीशन क्या दे रखी है, एक तो उसकी ऊंचाई दे रखी है, एक उसका क्षैतिज वेग कि जब वो क्षैतिज दिशा में गति कर रहा है तो वो छोड़ता है, तो उस समय उस बम का जो वेग है वो भी वही वेग होता है जो विमान का वेग होता है। विमान क्षैतिज दिशा में उसको गिराता है तो उसका वेग भी क्षैतिज वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग नहीं है। छोड़ने के बाद में जैसे जैसे वो गति करेगा बम नीचे की ओर जाएगा, उसका ऊर्ध्वाधर वेग उसके अंदर आता रहेगा, वो टाइम पे डिपेंड करेगा कितने समय बाद में कितना वेग होगा। तो सबसे पहले बात क्या है इसके अंदर क्या क्या दिया गया है, हमें इसकी ऊंचाई दे रखी है कि क्वेश्चन में कितनी ऊंचाई से बम जो है वो गिराया गया है। ऊंचाई को गति की समीकरणों की जब बात करते हैं तो उसके अंदर दूरी कहती है, दूरी एस वो कितना दे रखा है, कितनी ऊंचाई से गिराया गया है इसको। ऊंचाई जो दे रखी है वो हमें 500 मीटर दे रखी है, 500 मीटर ऊंचाई से इसको गिराया गया है। दूसरी बात, इसका जो क्षैतिज वेग है यूएक्स वो कितना है, 300 मीटर पर सेकंड, ये इसका क्षैतिज वेग है। ये दो बातें दे रखी है, और किसी ठिकाने पर बम की जो वर्षा है वो की जाती है, विमान से बम गिराए जाते हैं। अब हमें उसमें क्या क्या बातें बतानी है, उसमें हमें तीन बातें बतानी है। सबसे पहली बात क्या है कि क्या वह बम ठिकाने पर गिरेगा, पहली बात है ये तो मैं बिना सोच के ही बता रहा हूं, क्या बम ठिकाने पर गिरेगा। दूसरी बात हमें इसमें बतानी है वह ठिकाने से कितना आगे गिरेगा, ठिकाने से कितना आगे गिरेगा, इसका मतलब ठिकाने पर गिरेगा क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कितने आगे गिरेगा, इसका मतलब हाँ नहीं गिरेगा, हम क्यों नहीं गिरेगा उसकी बात हम करेंगे। और तीसरा पूछा गया ठिकाने पर बम गिराने के लिए उसे लक्ष्य से कितना पहले बम गिराना पड़ेगा। विमान जब गति कर रहा है तो उस समय ये नहीं है कि यहाँ छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद वो सीधा सीधा स्ट्रेट पाथ पे गति करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब एक गति होती है तो प्रक्षेप्य गति होती है, और प्रक्षेप्य गति में कण का जो पथ होता है वो कैसा होता है, पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, कैसा होता है अगर यहाँ से गिराएंगे तो सीधा नहीं आएगा, क्योंकि विमान इस दिशा में गति कर रहा है, किस वेग से यूएक्स, किस वेग से 300 मीटर पर सेकंड के वेग से लिखा हुआ है, तो जब इसको गिराएंगे तो बम भी ऐसे सीधा ही गति कर रहा है और फिर वो ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, नीचे आता रहेगा, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और नीचे आता रहेगा और ये आगे गिर जाएगा। इसका मतलब जहां से बम छोड़ा गया है वहां नहीं गिरेगा, वहां गिरता तो बम यहां गिरता, लेकिन यहां नहीं गिरेगा, कहां गिरेगा, यहां जाके गिरेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्या बम ठिकाने पर गिरेगा, तो बम ठिकाने पर नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि बम जो है वो परावलिक पथ पर गति करेगा, परावलिक पथ पर गति करता हुआ नीचे आएगा, इसीलिए वो स्ट्रेट पाथ नहीं आएगा, यहां से गिराया गया तो वो यहां नहीं गिरेगा वो आगे जाके गिरेगा, यहां गिरेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बम जो है वो ठिकाने पर नहीं गिरेगा, तो कहां गिरेगा, ठिकाने से आगे गिरेगा। अब ये पूछा गया कि वो कितने आगे गिरेगा, इसको हम सोल्व करते हैं। दूसरी बात कि बम ठिकाने से कितने आगे गिरेगा, इसके लिए हमें क्या याद करना है कि ये दूरी है कि यहां ये ठिकाना है और ये बम गिरा है यहां, तो हमें ये दूरी याद करनी है भाई ये कितनी होगी। तो पहले हमें याद करना पड़ेगा कि इसको यहां से यहां तक आने में समय कितना लगेगा, पहले क्या याद करना पड़ेगा कि यहां से यहां तक गिरने में उसको कितना समय लगेगा, उसके लिए हमारे पास समीकरण हैं, उन समीकरणों का हम इसमें यूज कर सकते हैं। दो बातें हमने उसमें की थी, वो डेरिवेशन पूरा का पूरा यहाँ काम आ रहा है,
कि जब क्षैतिज गति करते हैं तो क्षैतिज गति में क्षैतिज स्थितियां लेते हैं, ऊर्ध्वाधर गति लेते हैं तो ऊर्ध्वाधर स्थितियां लेते हैं, दोनों को मिक्स नहीं करते, क्षैतिज अलग ऊर्ध्वाधर अलग। यानी कोई कण ऊपर से नीचे सीधा आ रहा है तो उसके लिए हम ऊंचाई वाली बात करेंगे, ए बराबर जी काम कर रहा है उसके लिए, लेकिन जब ऐसे गति कर रहा है तो उसके लिए त्वरण नहीं होता है, समान वेग से गति करता है तो वहां क्या हो जाता है, ए का मान जीरो हो जाता है, त्वरण जो है वो क्षैतिज गति के लिए त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। तो सबसे पहले इसमें क्षैतिज गति की बात करें, अगर इसके अंदर हॉरिजॉन्टल मोशन ले अगर क्षैतिज गति, तो क्या होगा क्षैतिज गति में वेग तो कितना है 300 मीटर पर सेकेंड, एक बात। दूसरी बात, त्वरण का मान कितना है, त्वरण का मान कितना दे रखा है, जीरो दे रखा है, ठीक है जीरो है क्योंकि क्षैतिज गति कर रहा है तो वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। जी का जो मान है तो वो जी तो उसके ऊपर कितना रहेगा, फिक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, लेकिन उसका खुद का जो त्वरण है वो कितना होगा, जीरो होगा। और हमें दूसरी और बात क्या दे रखी है, वाई एक्स के अनुसार लें तो वाई एक्स के अनुसार ये तो ऊंचाई जो है वो दूरी हो जाएगी, तो यू वाई का जो मान है वो कितना हो जाएगा 500 मीटर, तो यू वाई जो है वो कितना होगा 500 मीटर। और ऊंचाई की बात कर लिया हम साथ में, और उसके लिए ये हमारे पास वाई का मान होगा, जब कण को नीचे की तरफ लेंगे तो ए बराबर क्या होगा, वहां ए बराबर माइनस जी होगा। तो अब इसके अंदर पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले हमें टी निकालना पड़ेगा, फिर उसके अनुसार हम उसे आगे सोल्व करेंगे। तो टी के लिए निकालने के लिए सिंपल सी गति की दूसरी समीकरण है, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर। तो यहां एस बराबर तो क्या हो जाएगा, एस तो दूरी है, एस तो वाई हो जाएगा, यू क्या है इसका प्रारंभिक वेग है, ठीक है। जब ये ऊर्ध्वाधर गति हो रही है, कौन सी गति, जब ऊर्ध्वाधर गति हो रही है तो ऊर्ध्वाधर गति में यू एक्स का मान कितना होगा, जीरो, क्योंकि जब उसे गिराया गया है तो जब वो सीधा नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग उसका जीरो लेंगे, प्रारंभिक वेग जीरो होगा। तो ये दोनों बातें आगे दोनों बातें ध्यान रखें कि जब हम क्षैतिज गति कर रहे हैं तो प्रारंभिक वेग क्षैतिज वेग होगा, जब हम ऊर्ध्वाधर गति ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे, क्षैतिज वेग जो प्रारंभिक वेग जो वो जीरो है ऊर्ध्वाधर की, ऊर्ध्वाधर कंडीशन में, या यू वाई सॉरी यू एक्स मीन यू वाई, यू एक्स 300 मीटर पर सेकेंड है, यू वाई कितना है, जीरो है। और ये ऊंचाई है, ऊंचाई है एस है, एस क्या दो या इसको वाई कहते हैं, वाई लिखो, वाई का मतलब वाई एक्स के अनुसार। तो अब इसके अंदर अगर इसको सोल्व कर लेते हैं इसका मान, कि आप टी का मान निकाल रहे हैं तो देखो ऊंचाई वाली स्थिति ले लें क्योंकि हमारे पास है, इसका मान कितना है 500 रख देंगे, यू का मान कितना है, यू वाई का मान जीरो रख देंगे, ए का मान पता है, ए बराबर क्या होता है, कण नीचे आ रहा है तो ए बराबर, क्योंकि त्वरण भी नीचे काम करता है, कण भी नीचे आ रहा है तो ए बराबर क्या होता है, जी होता है, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, इसको इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई बराबर यू वाई इंटू टी प्लस एक बटा दो ए वाई इंटू टी, तो ए वाई जो किसके बराबर हो गया, जी के बराबर। मान पुट कर दो, एस का मान कितना है 500, यू का मान कितना है जीरो प्लस एक बटा दो, और ये कितना देगा 10 इंटू टी स्क्वायर, इधर ले जाओ इसको 500 गुणा दो एक हो जाएगा, 10 का भाग देते हैं इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक हजार में 10 का भाग देंगे 100 आ जाएगा, तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 100, और टी बराबर कितना आ गया प्लस माइनस 10 आएगा, समय माइनस में होता नहीं है इसलिए टी बराबर कितना आ गया 10 सेकंड। तो इसको यहां आने में कितना सेकंड का टाइम लग रहा है, 10 सेकंड। अब 10 सेकंड में सीधी दूरी जितनी क्या होगी उतनी वो आगे चला जाएगा। तो इस बात को देखो डेरिवेशन में हमने ये सारी बातें लिखी थी, सारी बातें ये सारी बातें, तो अगर वहां समझ में गए यहां पता चल गया कि क्या स्थिति है तो भी हमें डेरिवेशन से करेक्ट हम कर लेंगे। इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि डेरिवेशन जो अच्छे से समझ ले तो उसको कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आती, यानी न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स अच्छे से जो कर लेता है उसके डेरिवेशन क्लियर हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब हमें टी समय में, इतने 10 सेकंड के समय में देख लो
कितनी क्षैतिज दूरी जो है वो तय हो गई, उसको हम सोल्व कर लेते हैं 10 सेकंड में क्षैतिज दिशा में। तो ये फॉर्मूला x बराबर 10 सेकंड में क्षैतिज दूरी, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या s बराबर ut प्लस 1/2 एटी स्क्वेयर। क्षैतिज की जब बात कर रहे हैं, क्षैतिज की जब बात कर रहे हैं तो a का मान कितना है, 0 है, ठीक है। ux कितना है, 300 है, ux का मान 300 है, और हमें x का मान ज्ञात करना है, ये हमें पता नहीं है, तो क्या ज्ञात करना है, s हमें ज्ञात करना है, और a, a का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो s बराबर था x हो गया, ux का मान, ux का मान 300 गुणा t का मान कितना है, निकालिए हमने ऊपर, ये रहा कितना 10 सेकंड, प्लस 1/2 इंटू ए का मान 0 है, तो 0 से गुणा हो गए 0 हो गए। तो यहां से x का मान कितना आ गया, 3000 मीटर। तो बम जो है वो कितनी आगे जाके गिरेगा, 3000 मीटर आगे जाके गिरेगा, यानी यहां गिराएंगे तो वो 3000 मीटर आगे जाके गिरेगा। अब तीसरे क्वेश्चन का आंसर अपने बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं, क्या पूछा गया है, ठिकाने पर बम गिराने के लिए कितना पहले गिराना पड़ेगा, ठिकाने ऊपर जाके गिराएंगे तो वहां गिरेगा ही, तो आगे जाके गिरेगा, ठिकाना रहेगा पीछे, तो हमें ठिकाने में गिराना है, तो जितनी दूरी आगे जाके गिरेगा उतना हम क्या करें, पहले गिराना, यानी ये बम अगर हम 3000 मीटर पहले यहां छोड़ा जाता तो वो इस तरह से होते हुए यहां आके गिर जाता। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठिकाने पर बम गिराने के लिए कितनी दूरी, 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर पहले गिराना होगा। तो इस तरह से ये बताया जा सकते हैं कि बम जब गिराए जाते हैं तो वो कहाँ गिराने हैं, कितनी दूरी पर गिराने हैं, वो सारी कैलकुलेशन पहले करनी पड़ती है, कितने टाइम पहले गिराना पड़ेगा, वो सारी कैलकुलेशन पहले करके फिर छोड़ा जाएगा और फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह जाके गिरेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर हम आगे करेंगे इसमें।